ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। इस घर की न्यू मेंबर हरामी बहू, हमारी बहू। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया कि पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म का बजट कितना और फिल्म को कितने स्क्रीन में रिलीज किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया रिलीज हुई है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का कंसेप्ट 2016 में आई सीरियल बहू हमारी रजनीकांत से कुछ मिलता जुलता है। और इत्तेफाक की बात ये भी है कि ये सीरियल भी फरवरी से शुरू हुआ था और अगले साल 2017 के फरवरी में ही खत्म हुआ था। जिन्होंने ये सीरियल देखा था उन्हें तो पता ही होगा कि इस फिल्म जैसी कुछ कहानी उस सीरियल में भी थी। हालांकि फिल्म के रूप में इस टाइप की कहानी को देखना ऑडियंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया जब इस फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट किया गया था, तब इतने बड़े टाइटल के चलते फिल्म के टाइटल को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। आपको बता दूं कि ये फिल्म शाहिद कपूर और कृति सेनन की साथ में पहली फिल्म है। पोस्ट पैंडेमिक के बाद दोनों में से किसी की भी फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट नहीं हुई है। हालांकि शाहिद कपूर की फर्जी और कृति सेनन की फिल्म मिमी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन ये दोनों फिल्म ओटीटी में रिलीज हुई थी। बात करें स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में शाहिद कपूर और कृति सेनन के अलावा धर्मपाल जी, डिंपल कपाड़ या राकेश बेदी, अनुभव फतेहपुर या राजेश कुमार और रसूल टंडन भी नजर आए। इस फिल्म को अमित जोशी और आराधना शाह ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हैं। बात करें स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 3,300 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया, तो ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 4,000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। कोई फिल्म रिलीज ना होने के कारण इस फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिल गए हैं। बात करें कलेक्शन की तो दोस्तों इस फिल्म का बस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिल्म के रिव्यूज अच्छे आए और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो फिल्म के कलेक्शन आगे अच्छे आ सकते हैं। वैसे ये फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस में लगभग 6 से 8 करोड़ की रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है, तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में लगभग 10 से 12 करोड़ की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 65 करोड़ बताया जा रहा है। बजट के हिसाब से ओपनिंग एवरेज दिख रही है, बाकी देखते हैं दूसरे दिन से फिल्म बड़ा ग्रोथ कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।